रशिया ने अपना मून मिशन लूना 25 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह मिशन भारत के चंद्रयान 3 से करीब एक महीने बाद लॉन्च किया गया है, लेकिन यह संभवतः चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। रूस करीब 47 साल बाद चांद पर अपना कोई लैंडर उतार रहा है। रशिया ने करीब 47 साल बाद चांद पर अपना मून मिशन भेजा। 11 अगस्त की सुबह 4:40 के करीब ओस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग सोयूज 2.1B रॉकेट से किया गया है। इसे लूना ग्लोब मिशन भी कहते हैं। यह रॉकेट करीब 46.3 मीटर लंबा है। इसका व्यास 10.3 मीटर है। इसका वजन 313 टन है। 4 स्टेज के रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार ऑर्बिट में छोड़ा, जिसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चांद के हाईवे पर निकल गया। इस हाईवे पर ही 5 दिन की यात्रा करेगा। इसके बाद चांद के चारों तरफ 7 से 10 दिन चक्कर लगाएगा। 21 या 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर उतरेगा। इसका लैंडर चांद की सतह पर 18 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद लैंडिंग शुरू करेगा। करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से पैसिव डिसेंट होगा, यानी धीरे धीरे लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। 700 मीटर ऊंचाई से थ्रस्टर तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी गति को धीमा कर सके। 20 मीटर की ऊंचाई पर इंजन धीमी गति से चलने लगेंगे ताकि यह लैंड हो पाए। तो यह थी रूस के लूना 25 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।